सीज विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सीरीज सीज टॉक में भारत सरकार के विभिन्न संगठनों में अपनी सेवाएं दे चुके एवं प्रभावी व्यक्तित्व श्री अश्विन लोहानी ने संकट के समय में भी सकारात्मक अवसरों की पहचान विषय पर अपने विचार साझा किए। इस टॉक में विभिन्न क्षेत्रों के बिजनेसमैन, टेक्नोसेवी और प्रोफेशनल ने हिस्सा लिया। क्योंकि सर अब आपके ऊपर तो बहुत बड़ी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जवाबदारी आपने ले ली है। नहीं, दिस इज अ ऑनररी पोस्ट है, खाली मीटिंग शेयर करने जाऊंगा, ऐसा नहीं। उन्होंने लिया है, आप तो करोगे, आप ऑनररी पोस्ट पे भी आप तो काम तो करते ही ना यार। और आते ही मतलब आपने वो जगह पे जाते ही एकदम बड़ा सीनरी बदल गया टूरिज्म का, बोलते ही इसमें सबसे बड़ा सेटबैक जो लगेगा इससे कोरोना से टूरिज्म को ही लगेगा, सबसे बड़ा सेटबैक जो लगेगा टूरिज्म सेक्टर को लगेगा, सबसे ज्यादा अफेक्टेड टूरिज्म सेक्टर है। और आपको उसकी जवाबदारी मिल गई। फिलॉसफी यही थी कि जब कंपनी घाटे में है वो वक्त है पैसा लगाने का, वो वक्त पैसा और काटने का नहीं होता, क्योंकि उस समय अगर आप पैसा काटते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो काटते ही हैं, साथ साथ उन चीजों को भी काटते हैं एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट के रूप में होती हैं, जो फ्यूचर में फायदा देंगी। हमने सब ऑफिस ठीक किए, लोगों को स्टाफ कार्य दी, लोगों के घर बनाए, कई 100 तो घर बनाए होंगे एमपी में स्टाफ के, नए नए घर, अच्छे घर। तुमको याद है 2004 में एंड में हमारे कुछ स्टाफ लोग परेशान हो गए, यूनियंस परेशान हो गए, ये एमडी साहब तो लौटा देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, और खर्चा कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आया कि इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं किसी अपने स्टाफ को कुछ देता हूँ, उसको घर देता हूँ, उसको एक गाड़ी देता हूँ, उसको इज्जत देता हूँ, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे 10 गुना ज्यादा कमा के देगा। और यही हुआ 2004 नवंबर से जो रेवेन्यूज की ग्रोथ हुई शुरू 40-50% पर मंथ जी, हमारे सभी होटल प्रॉफिट में आ गए, सभी स्टाफ शान से जीने लगे, सब स्टाफ को मैंने टीक पैनल, मैनेजर्स को टीक पैनल ऑफिसर दिए, गाड़ियां दी उनको स्टाफ कार, जहां कंपनी की एक स्टाफ कार हुआ करती थी 70-80 स्टाफ कार हो गई, सबको रहने के घर दिए, कहा कहीं भी रहना हो, भोपाल में पोस्टिंग चाहिए, इंदौर में घर चाहिए, वो भी दे दूंगा उनको, सब कुछ दे दूंगा, खाली काम करो और वो करो जो मैं चाहता हूँ वो हासिल करो। इसलिए लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप असल में चाहते क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुश करना चाहते हैं, सीनियर्स को खुश करना चाहते हैं, बॉसेस को खुश करना चाहते हैं। अगर आप ये क्लियर नहीं करेंगे कि आप किस चीज से खुश होते हो तो वो स्पेकुलेट करता रहेगा, तरह तरह की चीजें ट्राई करता रहेगा। क्लियर कर दो कि एक पैसे गड़बड़ करोगे टांग दूंगा तेरे को, मुझे डिलीवरी चाहिए, आउटपुट चाहिए, उसी बेसिस पे इज्जत होगी। जो मेरा मैनेजर सबसे बढ़िया काम करता था उसको मैं पर्यटन भवन जो मैंने बनाया था उसके कमरे से निकल के ग्राउंड फ्लोर में जाता था, गेट पे उसको रिसीव करता था और उस आदमी को अपनी जेब से उसी के रेस्टोरेंट में अपने पर्स से पैसा खर्च करके उसको खाना खिलाता था, जो उसका सर्वोच्च सम्मान हुआ करता था मैं कहूँ। लेकिन अगर वो गड़बड़ करता था तो उसकी पिटाई होती थी, पर गड़बड़ करना लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि लोग बेसिकली अच्छे होते हैं। मेरा मानना है कि स्टाफ बेसिकली अच्छा होता है, ये मैनेजमेंट ही होता है जो बेकार होता है, और जितना टॉप मैनेजमेंट होता है वही बेकार होता है, या तो वो अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया हो जाती है, बेकार होता है तो ऑर्गेनाइजेशन बेकार हो जाती है, फिर अपने स्टाफ को ब्लेम करता रहता है कि मैं इनकी वजह से नहीं कर पाया, इनकी वजह से नहीं कर पाया। 40 साल की नौकरी में मैंने आज तक अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को आउटस्टैंडिंग से नीचे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं दी, सबको आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग बिहेव करेंगे। मैंने माना कि वो ईमानदार हैं तो ईमानदार की तरह बिहेव करेंगे, अगर मैं उन पर शक करूंगा तो ईमानदार नहीं, वो बेईमान हो जाएंगे। मैंने जो ज्वाइन किया था तो मैं डोडी में हमारा एक ढाबा हुआ करता है, हाँ सर, आज तो इंदौर भोपाल रोड, हाँ, तो बहुत खराब हालत में था पहले 2004 में, 2500 रुपये रोज की सेल थी उसकी, और वहाँ पे एक मैनेजर हुआ करते थे, नाम नहीं लूंगा उनका। तो हम जब पहली बार भोपाल से इंदौर गए तो वहाँ ढाबे में रुके, तो मैनेजर की शक्ल देखकर मैंने कहा बिजनेस की बात करना बेकार है, बिकॉज आदमी की शक्ल पे लिखा होता है कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है।
चमक होनी चाहिए ना, वो चेहरे की चमक आपकी कैशबॉक्स की चमक में तब्दील होगी। तो हमने उसकी बात नहीं करी, हमने कहा चलो तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। तो एक मैनेजर अपने एमडी के साथ खाना खाए, बहुत बड़ा इवेंट था उसके लिए, हमने उसके साथ बैठ गया कि टेबल में खाना खाया। खाने के बीच मैंने उससे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि साहब एक तो एक मेजर पेनल्टी चार्जशीट मिली हुई है, वो 3 साल पहले एक कैश का वेरिफिकेशन हुआ था जिसमें 50 रुपये कैश कम निकला था जितना होना चाहिए उससे, मेजर पेनल्टी चार्जशीट मिली हुई थी हमको, और उस सर पे लटकी ये तलवार की तरह। मैंने कहा और बताओ घर कहाँ है, कहाँ रहते हो? कहते कंपनी ने घर दिया है, छत पे रहते नाभी की। अब उस नाभी की जो खराब हालत थी मुझे समझ में आ गई क्यों है। मैं वापस गया भोपाल गया तो वहाँ उसकी चार्जशीट वाली फाइल मंगवाई, इस फाइल को फाड़ फूड के फेंक दिया, क्रैश कर दिया। और फिर इंजीनियर को बुलाया, मन कर घर बनाना शुरू कर दो वहीं पे, डोरी में कहाँ से, कहाँ दूर से, भोपाल से जा नहीं सकता, इंदौर से जा नहीं सकता, वहीं घर बना दो उसका, तो कुछ और स्टाफ का ही बना दो। तो मैं कर देते, मैंने कहा नहीं कल से नींव खोद दो, बाद में फाइल वाइल बाद में होती रहेगी। तो अगले दिन उन्होंने नींव खोदना शुरू कर दिया। उसके हफ्ते भर बाद में जो जहाँ गुजरा उस रोड पर, तो भोपाल से इंदौर तो रेगुलरली आना होता था MBA MBT। तो इस बार मैंने देखा उसके चेहरे पर चमक थी, तो मैंने पूछा कितना धंधा करोगे, कहता कितना चाहिए आपको, डबल कर दो, डबल करने का किया सर। 10 दिन बाद में फिर से गुजरा वहां से, तो 2500-5000 हो गया था डेली सेल। हमने उसको उसी समय 500 रुपये का इनाम दिया, कैश बॉक्स से 500 रुपये निकाले उसको दे दिए इनाम के रूप में। उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर गुजरा, तो फिर डबल हो गया, 5 का 10 हो गया। तो जब मैंने MP छोड़ा और भी इनपुट दिए, ऐसा नहीं है स्टाफ के इनपुट दिए और भी इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर के इनपुट दिए, तो 2500 रुपये की सेल 2.5 लाख की सेल हो गई थी, 100 गुना बड़ी सेल, इतना पोटेंशियल था। एक्चुअली जो आदमी काम करता है हम उसका सबसे बेहतरीन निकाल लें, अगर मेरा भी कोई बेस्ट निकाले तो हो सकता है मैं पता नहीं और क्या क्या कर लूँ और क्या हासिल कर लूँ। मुझसे नीचे जो लोग हैं उनका भी अगर मैं बेस्ट निकाल लूं, तो ये मैंने हर जगह देखा। जी सर, सर प्लीज। हाँ, तो एयर इंडिया में जब आया तो एयर इंडिया में भी हमको ऑर्गेनाइजेशन में जान डालनी थी, क्योंकि सबसे पहला काम तो वो है, मैं कहूँ कि जान नहीं डालूंगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया करेगी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ है, तो हमको सबसे पहले उसमें जान डालनी थी। अब हवाई जहाज वाली कंपनी में सब जान कैसे आएगी, हवाई जहाज वाली कंपनी में जान आती है एक नई फ्लाइट लगाकर, लंबी दूरी की फ्लाइट होनी चाहिए। तो हमने कहा विश्व की सबसे लंबी फ्लाइट चलाएंगे हम, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की। 2015 में MP से आए थे, उसके जस्ट बाद मैंने इसकी चर्चा करी वहाँ पे एयर इंडिया में, तो हमारे लोगों ने बोल दिया, कमर्शियल वालों ने और फाइनेंस वालों ने, जिसका तो 5 साल पहले भी सोचा गया था इसके बारे में, और ये फ्लाइट तो घाटे में जाएगी, कागज पे प्रूफ किया हुआ था, प्रूफ किया हुआ था कि फ्लाइट घाटे में जाएगी, चल ही नहीं सकती फ्लाइट। खैर मुझे थोड़ी धंधे की समझ ज़्यादा थी उनसे, और टूरिज्म में रहा हूँ, तो हमने अगस्त में आए थे, सितंबर करीब अपना फैसला दे दिया कि फ्लाइट चलेगी, विश्व की सबसे लंबी फ्लाइट हम चलाएंगे नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को, जो 15 घंटे लेगी, 16 घंटे 4 दिसंबर को चलाएंगे, 2 महीने के अंतराल में हमने अनाउंस करा फ्लाइट चलाएंगे, जबकि ऐसी लंबी फ्लाइट 6 महीने 1 साल के अंतराल में अनाउंस करी जाती है। तो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई बिल्कुल कुछ को छोड़ के सब लोग बिल्कुल निश्चिंत थे कि फ्लाइट तो फेल होगी और साहब मरे, बट ये फ्लाइट चली और विश्व की सबसे सक्सेसफुल फ्लाइट्स में से एक फ्लाइट है, सभी एयरलाइन की सबसे सक्सेसफुल फ्लाइट्स में से एक फ्लाइट है, और ये पहली थी उसका से हमने 10 फ्लाइटें चलाई इंटरनेशनल, पिछले 1 साल में भी 12 फ्लाइट चलाई, हर हफ्ते टूर पे निकलते थे, जाके लोगों से मिलते थे, गले मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनसे पूछते थे, हर रोज मेरा स्टाफ मुझसे मिलने आता था। आप सोच सकते हैं कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने करीब मुझसे 100 से 150 स्टाफ तो मुझसे ऑफिस में मिलने आता था रोज, और करीब 1000 आदमी मुझे व्हाट्सएप भेजते थे जी अपनी छोटी छोटी समस्याओं के,
जो रेल में जो गैंगमैन होता है सबसे नीचे लेवल पे जो गैंगमैन होता है जो पटरी की मरम्मत करता है, वो तक मुझे फोन करता था। और मेरे रिटायरमेंट के बाद वो लोग 20-25 गैंगमैन मेरे घर में आए, हर रेलवे से एक गैंगमैन भेंट देने आए, और अभी तक संपर्क में है। तो कई डिसीजन आपको गट पे लेने पड़ते हैं, गट पे। जोड़ी का फैसला, एमपी के ज्यादातर फैसले, नए नए होटल बनाए, नए नए स्पॉट्स बनाए, आपका जो खंडवा के पास वो कौन सा हनुमंतिया बनाया हमने 2015 में, उससे मेरे को वीराने में था, सोच नहीं सकते थे कि इतनी बढ़िया जगह निकल के आ गई। वो गट पे फैसले होते हैं, उनको फाइल पे पहले हम प्रूव नहीं कर सकते थे कि सक्सेसफुल होगा। इसी तरह से एयरलाइन में जितने फ्लाइट्स चलाई, अशोक होटल में जो चीजें करी, काफी कुछ फैसले गट पे होना जरूरी है। आपको अपना गट डेवलप करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करते हैं, और गट को डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन्वॉल्वमेंट। वो ही सीखना है सर, आपका भयंकर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अपने काम के साथ, भयंकर इन्वॉल्वमेंट जिसे कहते हैं, पागलों वाला इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप जो सोचेंगे जो चाहेंगे वही होगा, ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही बिहेव करेगी जैसे आप चाहोगे। मैंने पहला अपना जो पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1998 में बनाया था। अच्छा सर, 13 जनवरी 1998 को मिला था मुझे। क्या हमने वर्ल्ड की सबसे पुरानी ट्रेन चलाई थी, फेरी क्वीन एक्सप्रेस, ये चली थी 17 अक्टूबर 1997 को चली थी। ये इंजन खड़ा हुआ था हमारे पास रेल म्यूजियम में पिछले 100 साल से, इसको हमने निकाला, ये 1855 का इंजन था, इसको निकाला, इसको ट्रेन बनाई, इसको पैकेज किया, टिकट बेचे और इसको चलाया सक्सेसफुली। और ये इंजन जो पिछले 100 साल नहीं चला था, 90 साल नहीं चला था, 1907 के बाद 1997 में चला था, इस इंजन ने वैसे ही बिहेव किया जैसा हमने चाहा, इस रफ्तार पे चलेगा, इतनी देर बाद इसको पानी की आवश्यकता होगी, इतनी देर बाद को कोयले की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से इतना भयंकर इन्वॉल्वमेंट था। एक तो असंभव प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड की सबसे पुरानी ट्रेन चलाना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, यह असंभव प्रोजेक्ट था। तब मैं बहुत जूनियर था उस लेवल पे, नहीं डायरेक्टर रेल म्यूजियम था, बट पागलों की तरह उस प्रोजेक्ट के पीछे लगे। उस इंजन ने, उस प्रोजेक्ट ने वैसा ही बिहेव किया जैसा हमने चाहा, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उसके बाद 5-6 जगह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की एप्लीकेशन लगाई, भोपाल में आपने देखा होगा वो लगाया था, शाने भोपाल रेस्टोरेंट। हाँ सर, वो भी बिल्कुल, भोपाल एक्सप्रेस, अशोका होटल, अशोका होटल, और फिर हम चीजें करी आपका, वो नाम भी भूल गया हूँ, जगह जगह जबलपुर के पास बरगी बनाया, बहुत सारे स्पॉट्स निर्मित किए, ज्यादातर स्पॉट्स गट पे निर्मित हुए, हम जानते थे कि चलेंगे। तो आपको अपना गट डेवलप करने की जरूरत है, और एटीट्यूड बहुत जबरदस्त पॉजिटिव रहता है, बिल्कुल सही, खासतौर से आज के टाइम में जब मालूम नहीं क्या होने वाला है, पूरे विश्व को नहीं मालूम, हम सबको नहीं मालूम, इससे में हतोत्साहित हो जाना, डिप्रेस हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत सरल है, बट एटीट्यूड ही सब कुछ है। एटीट्यूड से बड़ा कोई धन नहीं है, भयंकर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, फियर्सली पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड जो है वो नॉलेज को ओवरराइड करता है। पहले आज से 30-40 साल पहले हमको याद है, जब 1980 हमने नौकरी शुरू की थी, तब नॉलेज की बात हुआ करती थी, ज्ञान की बात हुआ करती थी, तभी मैंने 4 इंजीनियरिंग डिग्री भी करी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 इंजीनियरिंग सर, हाँ 4 इंजीनियरिंग करी, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बट उस समय ज्ञान का जमाना था, लोग ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे, नॉलेज सबसे सुप्रीम है। अब एटीट्यूड का जमाना है, एटीट्यूड सुप्रीम है, नॉलेज उसके बाद आती है, तो एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत है। आपको फ्रिल्स अवॉइड करने की जरूरत है, फ्रिल्स। जब जर्मन ITDC बने, जर्मन रेलवे बोर्ड बने, तो पहला आदेश जो हमने दिया ज्वाइन करने के आधे घंटे के अंदर, वो बुकेज बैन कर दिए थे पूरे भारतीय रेल के,
मैंने कहा भारतीय रेल में कहीं भी कोई आदमी दूसरे के साथ बुकेस का आदान प्रदान नहीं करेगा, और उसके चंद घंटे बाद गिफ्ट बैन कर दिए थे। मैंने कहा कोई किसी को गिफ्ट नहीं देगा, कोई किसी से गिफ्ट नहीं लेगा, दिवाली आ रही है लेकिन नहीं ले जाएंगे। फिर उसके दो तीन दिन बाद फिर वो बैन कर दिया। मैंने कहा प्रोटोकॉल बैन कर दो, हम कहीं जाते हैं ऐसे में तो हमको लोग रिसीव करने क्यों आते हैं, क्यों 50 लोग आते हैं रिसीव करने, एक स्टेशन मास्टर आना चाहिए रिसीव करने बस खाली, तो ये प्रोटोकॉल बैन कर दो। कितने चोंचले हैं, चोंचलों को खत्म करने की आवश्यकता है। जिसे आदमी को शुद्ध लगे कि शुद्ध डिलीवरी में ही फोकस किया जाए। अगर अगर मैं बुके लेने और गिफ्ट लेने की मुझे आदत होगी तो मेरा जितना स्टाफ है जब भी हर मौके पे मुझे बुके देगा और गिफ्ट देगा, क्योंकि उसको लगेगा साहब इससे खुश हो जाते हैं। लेकिन जहाँ उसको पता चलेगा गिफ्ट दोगे तो आपको चार्जशीट मिल जाएगी, आप सस्पेंड भी हो सकते हो, तो गिफ्ट देना बंद करेगा, वो काम पे ध्यान लगाएगा। इसलिए फ्रिल्स को खत्म करने की जरूरत है, और आपको अपने स्टाफ को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, भयंकर सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए खड़े होने की आवश्यकता है, जब मौका पड़े तो उनके लिए खड़े हो जाइए, और उस समय ये मत सोचिए कि मुझे ये कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनको याद है एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, इंसिडेंट तो बहुत सारे हुए बट एक इंसिडेंट जो इस समय याद आ रहा है वो है जब एयर इंडिया में एक एमपी साहब ने एक उसको मारा था, हमारे एक स्टाफ को जूते मारे थे 2017 में, तो हम उन्होंने बैन कर दिया था, लेकिन बैन करने की हमारी अथॉरिटी नहीं थी। किसको बैन कर दिया था सर? एमपी को बैन कर दिया था, एमपी साहब ही बैन। तो उसके बाद भारत में नया कानून बना नो फ्लाई लिस्ट वाला, फिर नया कानून बन के आया। बट हमारे लिए अगर मेरे स्टाफ को किसी ने मारा है चाटा, तो वो चाटा मुझे पड़ा है ना, आपका वो स्टाफ मेरा है, अगर उसको कुछ करना है, उसको डांटना है, फटकारना है, मारना, मैं मारूंगा ना, ये थोड़ी ना कि हर ऐरा गहरा नफ खरा आके उसको मार जाए। तो आपको अपने स्टाफ के लिए स्टैंड अप करने की जरूरत है। दो मैनेजमेंट की बड़ी स्पेशल थ्योरीज मैं फॉलो करता हूँ, एक है मैनेजमेंट बाय नॉन इंटरफेरेंस MBNI। हम अपने जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनके काम में दखल नहीं देंगे बहुत ज़्यादा, अगर काम हो रहा है तो होने दो। ये भी एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, जो हम हर छोटी छोटी चीज़ में दखल देना शुरू कर देते हैं। टॉप आदमी हर छोटी चीज़ में दखल देता है, जिससे नीचे वाले आदमी का मनोबल भी टूट जाता है, उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। तो मैनेजमेंट बाय नॉन इंटरफेरेंस भी मैंने सीखा है, जो काम हो रहा है उसको होने दो, उस आदमी को और एम्पावर करो, उसका और मनोबल बढ़ाओ कि और ज्यादा काम कर पाए। टॉप सीट में बैठने वाले आदमी का काम तो टेबल के ऊपर पैर रख के बैठना और आराम से सोचना फ्यूचर के बारे में, वो होना चाहिए। मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड। हम भोपाल में घर से निकलते थे, सीधे पलाश जाते थे, पलाश के किचन का राउंड लेते थे, लॉबी का राउंड, कमरों का राउंड, फिर बोट क्लब चले जाते थे, वहां घूम लिए, ऊपर इंडियन वेव्स चले गए, घूमिए अपनी टेरिटरी पे, घूमिए इंटरफेयर करने के लिए नहीं, एक तो अपनी टेरिटरी जानने के लिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं जब DRM दिल्ली में आया तो MP से आया था, MP में सेकंड टेन्योर के बाद DRM दिल्ली बनाया गया था, उसके 10 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, नई दिल्ली स्टेशन को ठीक करना था। तो मैंने कहा कि नई दिल्ली स्टेशन जो है ये मेरी मंदिर, ये मेरा मंदिर, यही हमारा टेंपल न्यू दिल्ली स्टेशन है, तो हम रोज मत्था टेकने जाएंगे वहाँ, तो रोज राउंड लेते थे। तो पहले 9 महीने हम उस मंदिर में दिन में 2 बार जाते थे रोज, तो मंदिर बहुत बड़ा है, 200 एकड़ पे फैला हुआ है, और DRM लेवल का आदमी सर, हम 2 बार जाते थे, पर पूरे 9 महीने 2 बार गए, उसकी कायाकल्प हुई 9 महीने। और उसके बाद जितने टाइम DRM रहे, 2.5 साल रहे, सवेरे 9:30 बजे नई दिल्ली स्टेशन, सैटरडे के दिन पूरे स्टाफ से मीटिंग, और फिर नई दिल्ली का राउंड। नई दिल्ली का राउंड 7 किलोमीटर का होता है, 7 किलोमीटर चलना पड़ता है नई दिल्ली स्टेशन पे। उसके बाद चले जाते थे पुरानी दिल्ली स्टेशन मीटिंग, फिर 4 किलोमीटर का राउंड,
उसके बाद चले जाते थे निजामुद्दीन स्टेशन मीटिंग, फिर 4 किलोमीटर ग्राउंड, तो करीब 15 किलोमीटर की वॉकिंग होती थी हर शनिवार, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे ओले पड़े, पूरी टीम के साथ हर शनिवार हम लोग जाया करते थे, पूरे स्टाफ से मिलते थे और पूरी अपनी जमीन पे वॉक करते थे। एक तो हुआ कि पूरा स्टाफ हमको जान गया, हम क्या चाहते हैं वो जान गया, उन्होंने वैसे ही बिहेव करना शुरू किया, स्टाफ के दुर्गत ठीक हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, चेंजेस आए, सबका फायदा हुआ। और कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी साहब ने सिर्फ एक विभाग के एक काम की तारीफ करी थी, नई दिल्ली स्टेशन के ऑडिट रिपोर्ट में, सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट में नई दिल्ली स्टेशन की काम की तारीफ थी, उन्होंने लिखा था कि इतने कम पैसे में, इतने कम समय में ये काम कैसे हो सकता है, तब ये तारीफ है, पेज नंबर 35 पे। बेसिकली अपने जितने लोग हैं उनको एक मिशन देने की आवश्यकता है, एक मिशन होना चाहिए। जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि हम ऐसे ही बिताए रहे, सुबह उठे कुछ काम कर लिया चले गए दफ्तर, समय बिता लिया परिवार हो गया, ये नहीं। देयर हैज टू बी अ मिशन टू लाइफ, और आप अपने पूरे स्टाफ को अगर आप मिशन देते हो तो वो भी मिशनरी जील में काम करेंगे, उन अपने स्टाफ को हमें अडल्ट्स की तरह ट्रीट करने की आवश्यकता है, अडल्ट्स की तरह, हम उनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। सवेरे टाइम पे आना है, टाइम पे नहीं आएंगे तंगा काट देंगे, टाइम से जाना है, सीट पे बैठे आपको बिजी, हर समय बिजी दिखाई पड़ना है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो स्टाफ है हमें उसे हर समय टोकने की आवश्यकता है, वो खुद तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, वो गैर जिम्मेदाराना है हमारा स्टाफ। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी आदमी हमारे नीचे है वो गैर जिम्मेदाराना है, वो खुद नहीं करेगा, इसलिए उस पर चेक्स और बैलेंसेज और सब चीज़ों में इतने नियम कानून जो बनाए जाते हैं इसी प्रेमाइज से बनाए जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उन स्टाफ को खुला छोड़ दिया जाए, उनको गर्व दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उनके मन में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक प्राइड डेवलप किया जाए, प्राइड, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन से को मोहब्बत करने लगे, तो वो आदमी क्यों गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, क्यों करेगा, बिल्कुल सही, वो नहीं करता। हमने लाखों की तादाद में लोगों से डील किया है, रेलवे में 1.5 मिलियन लोगों से डील किया है, एमपी में डील किया है जगह जगह लोगों से, 2500-3000 स्टाफ थे, लेकिन उसके बियॉन्ड भी डील किया, ITDC जब सबसे बड़ी होटल कंपनी थी तब डील किया था लोगों से, एयर इंडिया में 30-35 हज़ार लोग थे उनसे डील किया। मुझे कहीं भी कोई भी आदमी गैर जिम्मेदाराना नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, एक आध बिरले केसेस होंगे, बट जनरली नहीं, जनरली हर आदमी सवेरे काम करने आता है दफ्तर, काम करना चाहता है, बशर्ते हम उसको एक एनवायरनमेंट दे पाए, एक एनवायरनमेंट जिसमें उसका काम करने की इच्छा करे, एक एनवायरनमेंट जिसमें वो गर्व महसूस करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, एक एनवायरनमेंट जो जहाँ पे उसको लगे कि न्याय है, जस्टिस है, गलत काम नहीं होता है। हम ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पे वो देखता है, अगर मैं लोगों से बोलता हूँ कि तुम 10 घंटे काम करो तो मैं खुद अगर 12 घंटे काम करता हूँ तो वो आदमी भी 10 घंटे काम करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं 5-6 घंटे काम करूँगा फिर मैं कहूँगा तुम जान लगा के काम करो तो जान क्यों लगाएगा वो आदमी, क्यों लगाएगा। तो अगर हम वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को एक बॉस की तरह नहीं, एक बादशाह की तरह चलाते हैं, तो लोग भी हमारे कर्मचारी की तरह नहीं, जान लगा के प्रजा की तरह काम करें। बहुत सही है, बहुत बहुत जरूरी है। लोग, हर कोई आदमी अपने ऊपर एक बादशाह चाहता है, बॉस नहीं चाहता। बॉस तो हर काम में दखल लगाता है और कमियां ढूंढता है और टोकता है, जो बादशाह है वो एनकरेज करता है, इंसेंटिवाइज करता है, अगर गलत काम करेगा तो जबरदस्त पनिशमेंट भी देगा, बड़े दिल से काम करेगा। तो एक वैसा एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर पाए, वही फास्टेस्ट डिलीवरी देने का वही तरीका है। मेरा, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन ठीक करने की, तो मैं कहता हूँ प्रायोरिटी 1 ह्यूमन रिसोर्स है, प्रायोरिटी 2 भी ह्यूमन रिसोर्स है, और प्रायोरिटी 3 भी ह्यूमन रिसोर्स है, बाकी सब उसके बाद में आते हैं। अगर उन लोगों ने अपना काम कर लिया जान लगा के जो कर सकते हैं,
तो समस्या ही नहीं है, सब चीजें हो जाएंगी बहुत कम टाइम फ्रेम में। और जो मैंने बात करी थी बॉस और बादशाह वाली, मैंने भी किताब लिखी जिसका नाम है हार्ट ओवर माइंड। अच्छा सर, असली में शासन दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। उसमें असली रिजल्ट आएंगे। और हम लोग अपने स्टाफ को मोटिवेट करने की बात करते हैं, हर मैनेजमेंट की जैसे मोटिवेशनल थ्योरी समझाई जाती, मैं उस थ्योरी को भी गलत मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि हमको मोटिवेट करना चाहिए, हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें आदमी का बेहतरीन खुद निकल के आ जाए, अपने आप निकले। मुझे उसको ये ना बोलना पड़े कि तुम ये काम करो मैं तुमको इनाम देता हूँ, ना इनाम के लालच में ही तो उसमें लालच आ गया था। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसको आदमी सवेरे सवेरे 7 बजे ऑफिस, घर से ऑफिस भगा हुआ है, अपने चेयर पर बैठे और उसको लगे कि मैं बिल्कुल किंग हो गया हूँ, मैं डिलीवर करता हूँ, और शाम को उसको घर जाने की फुर्सत ही ना हो या इच्छा ही ना हो, और शनिवार इतवार हर रोज बात हर रोज काम करे। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हर ऑर्गेनाइजेशन में, तभी ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से आगे जाएंगी। और ये संभव है, इट इज ऑल पॉसिबल। बहुत बढ़िया, इट हैज टू बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ हार्ड वर्क, कंडक्ट, सिंसियरिटी, वैल्यू सिस्टम्स। बाकी काम तो आप सीख ही जाएंगे। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, जस्ट कंप्लीट करी है, जिसका नाम है मैवरिक, रिकार्डो सिम, हाँ मैवरिक, रिकार्डो सिमलर ने लिखी किताब, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। और ये ब्राजील की एक कंपनी है जहाँ पे इसने मैनेजमेंट के सब प्रिंसिपल्स को दरकिनार करके अपनी कंपनी चलाता है, जहाँ पे कमरे के साइज से आदमी की औकात रिलेटेड नहीं है, जहाँ पे कोई साहब नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, सब यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। तो नियम कानून तो इसलिए है कि हम सोचते हैं कि हमारे नीचे सब बच्चे हैं, सब गलत करेंगे, खुला छोड़ दिया जाए सब बदमाशी करेंगे ना। उसकी इसी थ्योरी बेस्ड है कि एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी इज एन एडल्ट, और हम हर किसी का नजरिया सुने, मिलजुल के काम करें, एक ऐसा एनवायरमेंट बनाए जिसमें आदमी का बेस्ट अपने आप निकल के आए। सो दैट इज आई थिंक दैट इज द बेस्ट बुक ऑन मैनेजमेंट जो जो आज तक मैंने देखी है, उससे बेहतर किताब हो ही नहीं सकती। अच्छा सर, हम भी पढ़ते हैं बिल्कुल। उसको आप अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाइए। जी सर, सर। तो यही मैं इतना ही बोलना चाहता था। और मैं बोलूंगा तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में गया तो इतनी ऑर्गेनाइजेशन हेड करी है, अगर उनके डिटेल्स में गया तो अब रात हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक आई स्टॉप हियर एंड आई एम ओपन टू ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सर। तो मेरी बेटी शिवानी अभी सर यहीं पर ही है, तो वो अभी यहाँ से लॉस एंजलिस में है। आपकी वाली फैमिली, हेलो शिवानी, शिवानी we met in Sage University Indore last time. Yeah, I had come there. Yes. Yeah. So to see you there, it is nice to see you here. I just had one question. Yeah. So you have had so many teams, and you have actually turned around businesses with these teams. So definitely, you have to create a team high performing, because otherwise you cannot turn around the business. So the first question is, how do you create or how do you motivate your team to be high performing, other than the things you already told us about, like giving them the environment? And also, there are always people who are resistant to change, because inertia is the law of nature, and there are always comments like, ye to hum pehle kar chuke hain, jaisa aapne bataya Air India ki flight ke liye bhi, to ye to hum pehle kar chuke hain, ye idea to nahi chalta hai yahan to log aise nahi hai, hamare paas safe facility nahi hai. So how do you make your people less resistant to changes? If people are not resistant to changes, it's the top management which is at fault. जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया, जब ITDC में गया, तो मुझसे वहाँ के ITDC के लोगों ने बोला कि यहाँ के लोग बहुत बदमाश हैं सर। सब जगह के अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ के बहुत खराब हैं। ये होटल का 5-star होटल का धंधा है, सबके कॉन्टैक्ट हैं, सब बदमाश। जब मैं MP में आया तो मुझसे लोगों ने ये बोला कि साहब देखिए, इन लोग को चला नहीं आता, इससे बेकार लोग आपको नहीं मिलेंगे। एयर इंडिया के बारे में पूरा एंटायर ब्यूरोक्रेसी, एवरीबडी कीप्स ऑन सेइंग, टिल आई सेड कि नहीं, माय पीपल आर वेरी गुड। So they told me that they are very bad.
And even in railways, my people, senior officers always used to tell, nahin, nahin, unions are bad, staff is bad, इनको टाइट करके रखना पड़ेगा. मैं तो ये मानता ही नहीं कि लोग खराब होते हैं. जिसको आप मीडियोकर समझते हैं, जिसको आप हाई, आप कहना चाहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, किस बेसिस पे बोल रहे हैं? हमने क्या उसका बेस्ट देखा है? नहीं देखा. और अगर किसी आदमी, कोई आदमी अपना बेस्ट देने लगे तो बहुत जबरदस्त होता है, तो बहुत जबरदस्त होता है. आई वर्क विद द सेम मैन. ये वही लोग थे जब एमपी टूरिज्म कहाँ था, और वही लोग थे. हम तो सरकारी हैं, ना बदल सकते हैं, ना हायर कर सकते हैं, ना फायर कर. वही लोग जब आसमान पे गया. इट ऑल डिपेंड्स. नो गुड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स. He gets the work out of those tools only. Sir, एक नीलम रावत है, वो पूछना चाह रही है, what should be the reopening strategy for the tourism? ठीक है, tourism में कुछ time तक तो international tourism है affected रहेगा. जी. Because आदमी को apprehension रहेगा. उसने आज तक कभी कभी आदमी सोच नहीं सकता था कि मैं कहीं जाऊंगा और वहां फंस जाऊंगा, flights बंद हो जाएंगी. अब पहली बार देख लिया इस तरह की चीज भी हो सकती है. तो international tourism affected होगा, but domestic tourism पिकअप कर सकता है जी. और आप लोग को शायद मालूम हो या याद हो, हमने एमपी में एक शुरू किया था आसपास टूरिज्म, एक आसपास करके ब्रांड बनाई थी हमने. हमने कहा था कि भोपाल के लोग अपने भोपाल के आसपास सांची, भीमबेटका, आसपास की जगह देखें, इंदौर के लोग ओंकारेश्वर, महेश्वर, बगल की आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करें. क्योंकि यदि हम टूरिज्म की बात करते हैं तो लोग दूर की बात करते हैं, तो लोग केरला हुआ आते हैं, लंदन हुआ आते हैं. तो इसलिए डोमेस्टिक टूरिज्म और खासतौर से आसपास टूरिज्म, जब तक एप्रिहेंशन लोगों को रहेगा दूर जाने में, उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है. आसपास बढ़ जाएगा, आसपास बढ़ जाएगा. एजुकेशन में भी ऐसा ही होगा कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, लोकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे. कुछ टाइम तक तो ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन की तरफ मूवमेंट रहेगा. अजय श्रीवास्तव सर, आप कुछ? सर हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ. मेरा प्रश्न प्रशांत सर ने पूछ लिया न्यू नॉर्मल का, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न और है जो मैं सर से पूछना चाहूंगा. नमस्कार सर. कि इस न्यू नॉर्मल में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसका क्या फ्यूचर होगा सर? अब देखिए, न्यू नॉर्मल क्या होता है वो तो हम लोग को ही नहीं मालूम कि न्यू नॉर्मल क्या होगा, बट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो बहुत बड़ा हिस्सा है, हम लोग के इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो चलेगा. आपको रेस्ट्रिक्शंस तो हो जाएंगे कुछ टाइम तक, जब तक आपका इसका पूरा इलाज नहीं निकलता तब तक रेस्ट्रिक्शंस तो थोड़े रहेंगे, पर इलाज भी देर से देर निकल ही आएगा. वैक्सीन और मेडिसिन दोनों निकल आएंगे. सर, डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय हमारे, वो पूछना चाह रहे हैं कि सेकंड लेवल लीडरशिप कैसे क्रिएट करी जाए ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे है सर, जैसे वो खुद डायरेक्टर है तो वो चाहते हैं उनका जूनियर जो है उनके पास 8 या 10 एचओडीज हैं, तो वो जब कैसे वो सेकंड लेवल का एक किस एचओडी को पिक करे, कैसे करे, कैसे सेकंड लेवल? मैं तो एक्चुअली मैं तो ज्ञान के ऊपर एटीट्यूड को बहुत देता हूँ. जी जी जी. एटीट्यूड और ह्यूमन वैल्यूज, ये एक मेन मेन क्राइटेरिया होना चाहिए. ज्ञान तो अख्तियार किया जा सकता है, ठीक, बट ये लीडर का ही काम है. लीडर का काम सिर्फ लीड करना नहीं है, लीडर का काम एट वेरियस स्टेजेस, वेरियस लेवल्स में और लीडर्स पैदा करना भी उसका काम है. जी. बस सर, अब लास्ट क्वेश्चन में मैं राकेश मेरे साथ जो बैठूंगा इनसे बोलूंगा कि थैंक यू वेरी मच सर. और आपने सर मीटिंग के लास्ट में एक बात कही थी कि आपके पास इतनी सारी चीजें बताने के लिए कि अगर आप सब डिटेलिंग में बताएंगे तो रात हो जाएगी, और हम सब सर दिल से चाहते हैं अगर बाकी में ये रात आ जाए और हम आपको अगर कई घंटों तक सुनते रहे तो उससे अच्छा सुख कोई प्राप्त नहीं हो सकता. मैं सर दिल से धन्यवाद कहता हूँ पूरी सेज की तरफ से कि आपने हमें इतना अच्छा बताया है, आपने डिफाइन किया है टाइम फ्रेम को, आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बिल्ड करना है, आपने हमें ये सिखाया है, आपने कहा है कि हमको ह्यूमन रिसोर्स में और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए. आपने हमें बताया है कि एक गुरु मंत्र दिया है कि जब कंपनी लॉस में हो, दैट इज द टाइम टू इन्वेस्ट एंड दैट इन दैट कंपनी रेदर पुटिंग मनी आउट फ्रॉम दैट कंपनी. आपने हमें आउटस्टैंडिंग रेटिंग हर एक एम्प्लॉय को देने के लिए कहा है. एक मिरेकल जैसा मुझे लगा जब मैंने सुना कि आपने 1 मिलियन लोगों से पर्सनली मिलके हैंडशेक किया है. बहुत बड़ी बात है. आपने उन लोगों को ग्राउंड लेवल पर जाकर
सेफ्टी हाइजीन एंड गुड बिहेवियर के बारे में सिखाया है। आपने व्हाट्सएप जो एक एंटरटेनमेंट टूल था हम सभी लोगों के लिए, उसको आपने इतना बड़ा प्रोफेशनल टूल आपने उसको बनाया है, उसको उस काम को आपने आगे बढ़ाया है। आपने प्रायोरिटी तो सब जानते हैं सर, लेकिन आज मैंने नया वर्ड सीखा है कि प्रायोरिटीज में भी प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए। अगर मेरी 5 प्रायोरिटीज हैं तो उसको भी मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूँ एक दूसरे प्रायोरिटी के ऊपर, वो आज मैंने आपसे सीखा है सर। आपने इतना बढ़िया डोडी का केस स्टडी हमें बताया है सर, आपने लॉन्गेस्ट फ्लाइट के बारे में बताया है, आपने ओल्डेस्ट ट्रेन के बारे में बताया है। इट वॉज ऑल लाइक अ स्टोरी सर, जैसे मैं अपने बेटे को स्टोरी सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव वैसी कहानियाँ सर लगी है मुझे। तो थैंक यू वेरी मच सर, इतना सारी आपने बातें आज हमें सिखाई, परिवार आपका आभारी है सर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, ऐसे ही सेज टॉक का हम नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी करेंगे और सर के जैसे लेवल के तो लाने की कोशिश करेंगे, फिर से शेयर करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।